हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटीसी एग्ज़ाम 2021 एक्सपेक्टेड कट ऑफ को एनालाइज करने वाले हैं फॉर द पोस्ट टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, जिसके लिए आईटीआई के कैंडिडेट एलिजिबल थे। सो यहाँ पर कट ऑफ को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले हम वैकेंसीज को देखते हैं। टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स पोस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो आई हुई हैं वो 27 है। कैटेगरी वाइज अगर इन वैकेंसी को देखा जाए तो जनरल के लिए 13, ओबीसी के लिए 7, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसीज आई हुई हैं। यहाँ पर जिस प्रकार से स्टूडेंट्स के द्वारा एग्ज़ाम का रिव्यू भेजा गया है उसके अकॉर्डिंग अगर एग्ज़ाम लेवल को देखा जाए तो नॉन टेक का आप जानते हैं कि जो ये एग्ज़ाम था उसमें 2 सेक्शन थे, जिसमें नॉन टेक से 50 क्वेश्चन पूछे जाने थे और टेक से भी 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नॉन टेक की अगर बात की जाए तो ये इजी टू मॉडरेट रहा है ये सेक्शन। इसके साथ साथ अगर टेक की बात की जाए तो ये कुछ बच्चों ने इसमें मॉडरेट कहा है, कुछ बच्चों ने इसमें ईजी टू मॉडरेट कहा है। तो इस तरीके से अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये मॉडरेट इसको कह सकते हैं। ओवरऑल अगर पूरे पेपर की बात करें तो ये मॉडरेट टाइप का एग्ज़ाम यहाँ पर रहा है, जिस तरीके के बाकी के मेट्रो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, लाइक डीएमआरसी हो गया, यूपी मेट्रो हो गया, इस तरीके का यहाँ पर एग्ज़ाम का लेवल रहा है। यहाँ पर अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो जिस प्रकार से वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग और जिस तरीके से कैंडिडेट्स के तरफ से एग्ज़ाम का रिव्यू भेजा गया है उसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जनरल कैटेगरी में, इसमें 13 वैकेंसीज हैं, तो इसके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ 52 से लेकर के 55 के बीच हो सकता है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी होगी हमें, क्योंकि यहाँ पर इस एग्ज़ाम में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से और इस तरीके की वैकेंसीज वगैरह जो आप देख पा रहे हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी उतनी ज़्यादा नहीं है, तो इस तरीके से यहाँ का जो कट ऑफ है वो इस रेंज के अंतर्गत हो सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 2 वैकेंसी है, जिसके लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 50 से लेकर के 52 के बीच हो सकता है। ओबीसी का अगर वैकेंसी बात की जाए तो इसके लिए 7 वैकेंसीज हैं, जिसके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ 51 से लेकर के 53 के बीच हो सकता है। एससी की अगर बात करें तो 4 वैकेंसीज हैं, जिसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ 48 से लेकर के 50 के बीच हो सकता है। एसटी की बात करें तो 1 वैकेंसी है, जिसके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ 45 से लेकर के 47 के बीच हो सकता है। अभी इसकी आंसर की कब तक आएगी तो आप जानते हैं कि अभी फेस्टिवल टाइम चल रहा है। वैसे इसकी जो प्रोसेस है वो काफ़ी तेज़ी से चल रही है, जो एनसीईआरटीसी की जो एग्ज़ाम प्रोसेस है, तो इसकी जो आंसर की है एग्ज़ाम होने के विद इन 10 से लेकर के 15 डेज के अंदर इसकी आंसर की आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। जब इसकी एक बार आंसर की आ जाएगी तो उससे और अच्छे से क्लियर होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो मार्क्स हैं वो किस रेंज में आ रहे हैं, तो उससे कट ऑफ को प्रिडिक्ट करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको क्या लगता है कि आपके अनुसार इसकी क्या कट ऑफ हो सकती है, उसका क्या रीज़न हो सकता है, आप अपनी जो भी राय है उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर इसके रिज़ल्ट की बात की जाए तो देखिए इसका जो रिज़ल्ट है वो कब तक आ सकता है, तो अभी एससीटीओ यानी स्टेशन कंट्रोलर ट्रेन ऑपरेटर, इस पोस्ट के लिए अभी एक और एग्ज़ाम होने वाला है। तो ज़्यादातर मेट्रो जो भी एग्ज़ाम लेते हैं, चाहे वो दिल्ली मेट्रो हो, चाहे वो लखनऊ मेट्रो हो, और भी जो मेट्रोज हैं उनके द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जाता है, तो वो क्या करते हैं कि जो पूरी जो भी उनके तरफ से जो वैकेंसीज निकाली जाती हैं उन वैकेंसीज़ की जो कंप्लीट प्रोसेस है वो एक साथ ही की जाती है। एक साथ करने का मतलब कि जैसे एससीटीओ है तो एससीटीओ के लिए अभी नेक्स्ट जो लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है वो साइको एग्ज़ाम होने वाला है। तो जब ये साइको एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेंगे उसके बाद साइको का भी रिजल्ट दे देंगे तो बाकी सभी पोस्ट के लिए ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से हो सकता है इसमें कुछ इस तरीके का सिनेरियो बन सकता है। बाकी देखते हैं कि इसका जो रिज़ल्ट है वो कब तक जारी हो सकता है, बट अगर आंसर की बात की जाए तो वो 10 से लेकर के 15 डेज के अंदर जारी होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।